हमारे लिए सीएम वही अच्छा होगा जो जनता के लिए विकास करेगा। योगी आदित्यनाथ ने विकास किया, विकास जो किया है उन्होंने, विकास जो जिन्होंने किया है, जो उन्होंने अपनी समस्या विकास किया अच्छा किया है, और जो आगे करेंगे वो भी अच्छा करेंगे। जनता की नज़र में कोई विकास नहीं आया उनका, तो फिर भी सरकार उनकी चुनेगी, सरकार तो उन्हीं की चुनेंगे। वजह यह है कि एक जो है सबके लिए बहुत अच्छी सरकार है। जब अच्छा नहीं किया तो अच्छी कैसे हो गई? उन्होंने जो भी कुछ अच्छा किया है वो बहुत अच्छा किया है, जो भी कुछ अच्छा किया है वो बहुत अच्छा किया है। बहुत आटे में नमक ही बचेगा, बाकी समाजवादी हो जाएगी, सब समाजवादी, पेट फुल हो गए। नहीं तो जब मिलता, कृषि का काम करता हूँ, 50 रुपए लीटर था, 2 लीटर में आधा बीघा भरता था, 2 लीटर में आधा बीघा भरता था, आज 4 लीटर में आधा बीघा भर रहा हूँ, कहाँ से आएगा? तो 2022 में इतनी हो जाएगी कि एक बहुत आटे में नमक ही बचेगा, बाकी समाजवादी हो जाएगी, सब समाजवादी, पेट फुल हो गए लोगों के, भर गए इस विकास से। सबका साथ सबका विकास, अखिलेश भैया की जरूरत है भाई, अखिलेश भैया की जरूरत है जी, उनके आने से सब सही हो। हाँ सही, सब मायावती के आने से क्यों सही नहीं होगा? नहीं नहीं, वो भी हालांकि मायावती और वो बुआ फूफा हैं, बुआ भतीजे, बाकी कोई ऐसी बात नहीं है, वो मिलके ही इलेक्शन लड़े हैं तो, या कुल मिलाकर बगल, बाकी जो है मायावती की सरकार में भी काम गलत ना हुए थे, उसमें भी काम बढ़िया हुए थे, उसमें भी काम, उसमें थोड़ी सी एक जात पाक्षी का मामला रहा था, जाति, हाँ हाँ, केवल एक्सी एक्ट का ही, क्योंकि उन्होंने बिल्कुल क्लियर क्लियर लिख दिया था कि कोई छेड़ेगा उंगली रख देगा तो एक्सी एक्ट तैयार है, बस, और कोई दिक्कत थी? हाँ उसे दिक्कत थी। अच्छा, इसमें इस सरकार में, योगी सरकार में ये कहा जाता है कि ठाकुरवाद चलता है, ऐसा है? अरे इसमें तो आप दादा मीडिया बोल रही है, वो चीज़ अलग छोड़ दो, जातिवादी की, हम इनके अपनी जो कहना चाह रहा हूँ मुरादाबाद से ही, जो अभी पद हमारा निर्देश किया गया, हाँ जयवीर सिंह, वो बात करना चाह रहा हूँ, इतने बढ़िया, इतने पक्ष, ऐसे मान लो पूरे क्षेत्र के लिए सबसे ईमानदार और सबके लिए काम के लिए आदमी थे नहीं है वो, ये बता के दो मेरे को, पूरे पूरे सब गाँव से पूछ सकते हो इस चीज़ को, सबसे बढ़िया और सबसे ईमानदार, हर वक्त जिलाध्यक्ष है ना, अगर आधी रात भी आप फोन करोगे आपके लिए हाजिर है, वो क्यों निकाला, किससे निकाला, ईमानदार आदमी को, वो भी बीजेपी वाले यार, उन्हें सुन लो, वो कारण, उसमें कारण है, उसमें कारण है थोड़ा सा, उन्हें दिख रहा है कि ईमानदार लगा हुआ है, वो कुछ करने नहीं देगा, बेईमान जो है खींचने वाले वो पड़े हुए हैं पीछे, तो मतलब ऐसा क्यों कर रहा है, ये भी थोड़ा सा वो रहेगी ना, इसका असर क्या चुनाव पे ही पड़ेगा क्या? बिल्कुल सब पे पड़ेगा यार, क्यों नहीं पड़ेगा, फिर किस, जो क्यों हटवा, उनको हटवाया क्यों यार, समाजवादी जो लोग हैं, मतलब नेक आदमी, नेक जिसे कहते हैं नेक आदमी, नेक के लिए कहीं भी जगह नहीं है, बाकी लिए सबके लिए जगह है, ये भैया मानोगे नहीं मानोगे आप? अच्छा, आपको और भी किसी नेताओं पे लगता है अखिलेश यादव जो है वो पक्षपात वाली या बेमानों को ऊपर उठाने की बात कहीं करते हैं? वो चीज तो अलग रही, पहले नंबर की सरकार की बात चल रही है यहाँ पे, आज तक ये बताओ किस सरकार में इससे ज्यादा घाटा किस में हुआ, मुझे बताओ, योगी सरकार, हाँ इससे ज्यादा घाटा कहाँ हुआ मुझे बताओ। अच्छा। हमारा नाच, हम और तो कुछ कमाते नहीं है, खाली नाच अपना पैदा करना, खाना बेचना, उसी से बच्चों को पालन हो रहा है। 2000 रुपये हैं, 2000 रुपये में राशन खरीद लोगे, दाल खरीद लोगे, आटा लाओगे, या ऐसा मान लो नमक लाओगे, मिर्च लाओगे, दाल लाओगे, खाली खाली आटा खाओगे, मुझे ये बता के दो, जो गल्ला मिल गया है मुझे मिल रहा है ऐसा मान लो 5 किलो 10 किलो जो भी मिल गया है कार्ड पे, खाली आटे से जी जाऊंगा, साथ में कुछ नहीं खाते हैं कोई भी, पहले तो मोल नहीं, एक चीज, एक चीज नहीं, मैं एक चीज बड़ी मान रहा हूँ, फ्री मिल रहा है मेरे को, खाली आटा खा के जी लूंगा, नहीं सारी चीजों की जरूरत होती है। लेकिन जो आप 2000 गिन बा रहे हैं ना, वो सम्मान निधि है, वो आपके रह गुजर के लिए, वो ये है कि आप जो कृषि का काम करते हैं उसमें वो सहयोग मिले, सहयोग मिल जाएगा, सहयोग तो जब मिलता, कृषि का काम करता हूँ, 50 रुपए लीटर था, 2 लीटर में आधा बीघा भरता था, 2 लीटर में आधा बीघा भरता था, आज 4 लीटर में आधा बीघा भर रहा हूँ, कहाँ से आएगा? वहाँ पर महंगाई है, कहाँ से आएगा? अब दूसरी बात, थोड़ी सी सहायता के लिए किसी की जरूरत पड़ती तो हम जयवीर भाई साहब के पास पहुँच जाते हैं, सभी क्षेत्र के साहब ऐसे ऐसे थोड़ा सा वो मजबूरी है, सबके हल के लिए तैयार थे, उनको थोड़ा सहारा ही तो दे रहे हैं वो गरीबों को, गरीबों को वो ही तो दे रहे थे। मैं बात भाजपा की उसकी नहीं कर रहा हूँ, देखो भैया समाजवादी नहीं सभी हैं, ऐसा कुछ नहीं, देखो घूस जहाँ लगता है उन्हें दिख रहा है कि यहाँ से मेरे को घूस लग रहा है, यहाँ से कुछ फायदा होगा, मुझे लाभ मिलेगा वहाँ से, बात ये होती है।
चाची क्या नाम हुआ? पुरानी नाम क्या हुआ? सरकार तो सही है, हमें कभी पैसे नहीं मिले तो 2000 रुपए हर महीने आ रहे हैं, बताओ 6 महीने में आ रहे हैं। अच्छा हाँ, कई हमारे आगे 14,000। अच्छा ये बताइए, हाँ, आप घर का कारोबार संभालती हैं, खाना पकाना, हाँ, इसमें महंगाई लग रही है? महंगाई बहुत है, महंगाई बहुत है, हाँ, कोई चीज नहीं मिल रही है। सरकार किसकी चाह रही हो? सरकार अब किसकी चाह रही है? मेरे चाहने से थोड़ी हो रही है, सब जने चाहेंगे वो होगी सरकार। आत्मा क्या कह रही है? टाइम बताएगा, टाइम आ गया, हाँ आ गया तो बता देंगे, लेकिन अभी पता कुछ ना। लेकिन सरकार जो है का जब जो अपने आप खुद ही सरकार खो रहे हैं तो खोएगी सरकार, और अच्छा समझेंगे तो बढ़ेगी सरकार आगे। सरकार आगे बढ़ेगी, सरकार बढ़ाएंगे तो आगे बढ़ेगी, नहीं तो भाजपा को इस बार चुनाव में किसका मुख्यमंत्री चाहती हो? अब मैं चाहती तो सब कुछ हूँ, लेकिन ये सबको थोड़ी देख सकती हूँ, मैं खुद ही तो चाहती हूँ। तुम बता दो अपने ना, तो मैं अपना बता दूँ, फूल को देंगे हम तो, नाम सतप्रकाश गुप्ता। खेती किसानी कर रहे हैं? मैं चप्पल बेच रहा हूँ। चप्पल बेच रहे हैं? आपको पता किसान जो है वो दिल्ली में बॉर्डर पर बैठे हैं, बैठे आंदोलन कर रहे हैं। वो किसान कब है? किसान नहीं है वो, किसान नहीं है वो, राजनीतिक दल है। कौन सा राजनीतिक दल? नेता लोगों का, विपक्ष का, विपक्ष का। किसान नहीं है वहाँ बॉर्डर पे, कोई भी किसान नहीं है। अच्छा हाँ, राकेश टिकैत को जानते हैं? हाँ जानता हूँ। कौन है वो? है नेता एक किसानों का। उसके टेंट में तो एसी लगी हुई थी, मेरे पास फोटो भी अभी दिखाऊं मैं। हाँ तो किसान है वो। चलिए ठीक है, किसान ने, किसान एसी नहीं लगा सकता क्या? मतलब ये कहता है ना किसान तो मतलब खुले में रहता है ये वो, और मतलब लोग एसी में रहते हैं ये वो, तो उसके टेंट में एसी पाई गई थी अंदर। ठीक है मैं तो ये मानता हूँ। अरे जिस दिन किसान आंदोलन करेंगे ना ये सरकार पलट देंगे। असली किसान नहीं है वो, असली किसान नहीं है। जिस दिन किसान अगर आंदोलन पे आ गया तो सरकार गिरा देगी। अभी किसान आंदोलन पे ही तो है, ये किसान नहीं है। हाँ ये किसान नहीं है, बड़े जिम्मेदार लोग हैं। किसे चाह रहे हो? मुख्यमंत्री किसे जा रहे हो? अगला मुख्यमंत्री 2022 में बीजेपी की बनेगी, अगली भी 22 में। कौन कौन सरकार बीजेपी की बनेगी? मुख्यमंत्री कोई बनेगी? हाँ मुख्यमंत्री कोई बने, बस सरकार बीजेपी की बनेगी। ये अभी अभी जो है क्लियर हो ही नहीं पा रहा कभी तो किसी की तारीफ। सरकार को छोड़ो, पहले नियम सरकार हम तो है ही सब कुल मिला के, मगर जो हमारा पद लिया गया है वो जयवीर सिंह यादव जी बात है, जी बात है, उससे नाराज है लोग। हाँ। ये बात आपकी आ गई है? मैं किसान हूँ। अच्छा। हाँ किसान हूँ। क्या लगता है आगामी चुनाव में? आगामी चुनाव में लगना क्या है, ये तो निश्चित है कि दो चार लोगों के बोलने से या एक दो लोगों के बोलने से कुछ नहीं होता है। जहाँ ज्यादातर लोग सपोर्ट करते हैं सरकार उसकी बनती है, और हमारे यहाँ से तो लगभग 80-85% वोट जो है बीजेपी को जाता है, और 2000 आने वाले 2022 में बीजेपी को ही वोट जाएगा। हाँ योगी आदित्यनाथ को ही, योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री बने या नहीं बने, किसी और को चयन किया जाए भी जरूरी है, क्योंकि अभी उठक पटक चली है। अगर ये बताइए कि बीजेपी को अगर बहुमत मिलती है तो आपके मन में योगी आदित्यनाथ को ही सीएम बनाना होगा, या आप सोचेंगे कोई और? देखिए केशव प्रसाद मौर्य या कोई और? हमारे लिए सीएम वही अच्छा होगा जो जनता के लिए विकास करेगा। योगी आदित्यनाथ ने विकास किया? विकास जो किया है उन्होंने, विकास जो जिन्होंने किया है, जो उन्होंने अपनी समझ से विकास किया अच्छा किया है, और जो आगे करेंगे वो भी अच्छा करेंगे। जनता की नज़र में कोई विकास नहीं आया उनका, तो फिर भी सरकार उनकी चुनेगी? सरकार तो उन्हीं की चुनेंगे। वजह यह है कि एक जो है सबके लिए बहुत अच्छी सरकार है। जब अच्छा नहीं किया तो अच्छी कैसे हो गई? उन्होंने जो भी कुछ अच्छा किया है वो बहुत अच्छा किया है। क्या? महिलाओं के लिए किया है, जगह जगह जो है थानों में महिलाएं चौकी बनाई हैं, गुंडागर्दी खत्म है, और ये जो चोर लुकच्चे जो घूमते थे गांव में रात को, जिसका अगर घर बाहर है खुला हुआ है उसकी तो मजबूरी है, बकाया जो दिन रात इधर उधर चोरियां होती थी, जेब कतरे इधर उधर घूमते थे, उन पे पुलिस जो है, इतनी ज़्यादा चोरियां नहीं हो रही हैं, अगर 10% अगर भूल में किसी की अगर कोई पैसे बाहर निकाल के चल रहा है और उसके पैसे निकल गए तो उसकी भी जिम्मेवारी है। पिछली सरकार में हमारे यहाँ की ये नौबत थी कि जो भी था जिस तरीके से जी रहा था वो जी रहा था, लेकिन आज जो है हम लोग शान के साथ जीते हैं। शान क्या ऐसी, मतलब वही तो मैं ऐसी क्या, जो भी कुछ समझ लो आप, निश्चिंत हो गए, निडर हो गए। पहले किस बात का डर था? पहले हिंदू मुस्लिम के जंग दंगे फसाद होते थे, और आप जो है इधर उधर जो है
वो चीज छोड़ कर आज की अखिलेश जी की सरकार भी ठीक थी, मैं बुरी नहीं कहूँगा, लेकिन अखिलेश जी की सरकार में ये जो बात दिमाग में है ठीक है, विकास पर इस पर बात करनी चाहिए। ये डर अपने ही देश में जहाँ भी आप रह रहे हैं, वो डर या भय वाली बात क्या है? शान से ही जीता है हर भारतीय, शान से जीता है हर आदमी, शान से जीता है, लेकिन एक जो है सरकार के ऊपर भी डिपेंड होता है। किस चीज से डर लग रहा है? वही तो मैं कह रहा हूँ, डर किस बात का? पुरानी सरकार में किस बात डर का? डर किस चीज? पुरानी सरकार में डर नहीं था फिर? नहीं, मैं उसमें भी पुरानी सरकार में डर नहीं था। और इसमें जो है अब हम जो है शान से जीते, हमारे यहाँ तो शुरू से ही जो है कोई ऐसी बात नहीं है, हमारे यहाँ तो हम तो जीते ही शान से हैं। लेकिन कुछ भाईचारा नहीं है क्या आपस में? भाईचारा है, बहुत भाईचारा, हिंदू मुस्लिम सिख हर आदमी में। लेकिन हमारे ग्राम पंचायत से हटने के बाद में जो और ग्राम पंचायत है वहाँ पे जो है कुछ लोग दबाए जाते थे। कौन लोग? हिंदू लोग, मुस्लिमों के द्वारा? मुस्लिमों के द्वारा। अच्छा, ये बात है, ये बात क्यों? अब वो वजह यह है कि अखिलेश सरकार में केवल मुस्लिम को ही सपोर्ट किया जाता है। लैपटॉप साइकिल आई थी, लैपटॉप साइकिल आई थी, वो किसी हिंदू की लड़की को लैपटॉप मिला हो तो कोई बता दे किसी को? भाई हमारे हमारे यहाँ तो किसी को मिला नहीं साइकिल, किसी को नहीं मिला। नहीं, लैपटॉप देखिए, लैपटॉप या साइकिल ये कोई सामाजिक बात नहीं है। जो 2012 में जिन्होंने 12th पास किया था उन्हें सबको लैपटॉप और इसमें ये तो नहीं है जाति या धर्म के आधार पर थोड़ी मिला। जाति धर्म का कोई बेस नहीं है अखिलेश की सरकार में। जाति नहीं, हमारे मंडल में थोड़ा सा मैं ये कहना चाह रहा हूँ, हमारा सरसों 50 रुपए किलो बिकी, ठीक, हम किसान की बात कर रहा हूँ, 50 रुपए किलो हमारी सरसों बिकी, हम तेल क्या रुपए किलो लूंगा? क्या रुपए किलो तेल लेंगे हम? आप 200 रुपए के रेट में क्या बच्चों को पाल लेंगे हम सरकार में? फिर ऐसे मान के चलो, ये बता के दो मुझे इसका जवाब है आपके पास? किस चीज का? ये कह रहे हैं महंगाई को लेकर बात करें, आप महंगाई को लेकर वोट करेंगे तो किसे करेंगे? एक ही बात है, जनसंख्या वृद्धि बढ़ेगी तो महंगाई बढ़ेगी। ऐसा है, कितनी जनसंख्या पॉपुलेशन इतनी बढ़ रही है, अगर एक घर में पहले अब से 10 साल पहले 2 किलो का खर्च था अनाज का, और आज के टाइम में 4 किलो का खर्च है, तो महंगाई नहीं बढ़ेगी। जमीन तो पैदा उतना ही दे रही है जितना पहले दे रही थी, और महंगाई नहीं बढ़ेगी तो क्या होगा? अब से 5 साल पहले 2000 रुपए गेहूं बिक गया था, जितना की आज 1600 रुपए को है। 1600 रुपए अब से 5 साल पहले। जनसंख्या कितनी थी और आपकी जनसंख्या किसको किसको जिम्मेदार ठहरा? जनसंख्या मतलब जनता ही है, जनसंख्या प्रति मतलब बढ़ा रही है जो भी कुछ है पहले, मतलब बताइए सरकार अपनी चीज महंगी सब दे रही है। डीजल जब महंगा हो गया तो मेहनत का तेल मद्दा होना चाहिए था, तो सरकार महंगा क्यों देगी? वो बल्दे में ले रहा है। नहीं यार, बल्दे में ले रहा है। नहीं, बासमती का रेट 3000 रुपए क्विंटल का हुआ था, ताकि आज उसे फ्री लेवा नहीं है कोई, बासमती को कोई लेवा नहीं है। पिछली बार घरों में ही रह गई थी सरबती, किसी ने घर में पड़ी रह गई कि हम किसान उसको हम पाल रहे हैं, किसके लिए पाल रहे हैं? आपने खर्च कर होटल ने लेकर आप ही बताइए, ठीक है? आपने आपने कई सारी बातों पर बात की है, कई मुद्दों पर। अभी इस गांव का माहौल क्या है ये बता दीजिए। देखो माहौल साफ, मैं आपको साफ कह रहा हूँ, अगर जैसे हमें कितनी महंगाई में कितने भी हमने अपने संकट थोड़े झेल लें, हमारे संकट झेलते हुए हमारी सीट पे लात क्यों मारी जा रही है? ऐसा कुछ हो ऐसा कुछ ऐसा 22 में साइकिल चाहिए हमें, हम सब जब पेट्रोल इतना महंगा हो गया हम बाइक पे नहीं बैठ पाएंगे, हम साइकिल चलाएंगे। ठीक है, आप देख सकते हैं कई सारे लोगों से बात की, तो विधानसभा चुनाव अभी दूर है, कई सारे लोगों से बात की, बात से ये पता चल रहा है कि अधिकतर जब यहाँ देखेंगे तो महंगाई, बेरोजगारी, किसान का मुद्दा भी उठा। हालांकि कुछ लोग हैं जो अभी भी सरकार के जो काम हैं उसको सही मानते हैं, वो कहते हैं कि कोरोना या इस तरीके की जो चीज़ें चली हैं उससे कहीं ना कहीं सरकार पर जो है इस तरीके का दबाव बना है, वरना महंगाई और इस सबसे निपटा जा सकता था। कैमरामैन मुशाहिद के साथ आकिल रजा की रिपोर्ट, मुरादाबाद।